अगर आपको सड़कों पे लोग नहीं नजर आ रहे कांग्रेस के, तो ये आपकी दिक्कत है, मगर लोगों से जाके पूछिए जिनको दिक्कतें होती हैं और उनके बीच में कांग्रेस पार्टी मौजूद होती है और उनके साथ खड़ी रहती है। तो जेलों में अगर भरे गए उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ही थे, जबकि वोट हमें कितने मिले, फिर भी हम लोगों का साथ नहीं छोड़ते। तो इसलिए ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि सोशल मीडिया पे हम लोग अपने वीडियोस डालते रहेंगे और फेसबुक ट्विटर हमारी रीच को रोकता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पता होगा कि जब जरूरत पड़े तो कांग्रेस है और कांग्रेस सदा रहेगी। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो जब देश आजाद हुआ तो तानाशाही बना देती। किसने रोका था? नेहरू जी को नहीं रोका ना, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित, इंदिरा जी एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, लोकतंत्र को स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इंदिरा जी की अगर आप बात करते तो उनके अंदर मादा था ये कहने का कि अगर मैंने आपातकाल लागू किया तो उसके कारण थे। एक टेलीविजन इंटरव्यू हुआ था किसी फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ, वोट के भागी नहीं थी, जैसे आज के देश के प्रधानमंत्री भाग गए थे, तो उस समय क्या के जो भी रीजंस रहे होंगे वो उस समय के रीजंस है, मगर मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहती। हमारी पार्टी आपातकाल के लिए माफी मांग चुकी है। अघोषित आपातकाल तो कम से कम नहीं करा ना, हम डरते नहीं है, घबराते नहीं है, जो करते हैं जम के करते हैं और बिल्कुल खुले करते हैं, खुलेआम करते हैं, छुपा के नहीं करते। आज की पार्टी आप मुझे बताइए कि तोड़फोड़ की राजनीति करने वाली पार्टी ने हर हथकंडा अपनाया होगा, कितने पैसे खर्च करे होंगे, मगर फिर भी इन्होंने, जो मैं आंकड़ा आपको दे रही हूँ आपसे बातचीत करते वक्त, ये आंकड़ा मैंने निकाला था, 53 साल के किसी भी विपक्ष के उम्मीदवार को जितने वोट मिले उनमें से सबसे ज्यादा वोट यशवंत सिन्हा जी को मिले। अब मैं एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हुआ करते थे कभी जेडीयू नीतीश कुमार और कभी यूपीए के, आप जानते ही हैं, तो मैं आपको याद करा दूं कि जब वो 2012 में एनडीए के अलायंस पार्टनर थे तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी को वोट किया था। ये मैं ये थोड़ा सा हट के पिछले क्वेश्चन को ही के आंसर में दे रही हूँ, आपकी बात पे अभी आती हूँ राहुल जी। 2017 में जब वो आरजेडी के साथ थे तब उन्होंने रामनाथ कोविंद को वोट किया जो एनडीए के साथ थे। तो अगर आप मतलब आज जो कुछ हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुनाव में उसको देखकर कहेंगे कि 2024 की ओर ये पॉइंट करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से देश में आज जनता त्राही त्राही कर रही है और विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं रीजनल पार्टी के, चाल चरित्र चेहरा भाजपा का ही नहीं कईयों का सामने आ गया है। जैसे कि आपने देखा कि अभी शायद वर्मा जी कह रहे थे कि एब्स्टेन करा है वोट करने वाइस प्रेसिडेंशियल ममता इलेक्शंस में बनर्जी ममता बनर्जी ने। वाह भाई वाह, कितना झगड़ा था उनका, कितना झगड़ा हो रहा था उनका जगदीप धनखड़ जी के साथ, और अब हमने एक तस्वीर देखी कि हिमंता बिस्वा शर्मा और वो और जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो दार्जिलिंग में पहले मुलाकात करते हैं, अब देख रहे हैं कि वो वोटिंग से एब्सटेन कर रही हैं। तो चल क्या रहा है, मगर आपने सही कहा ना, लीड उन्होंने ही ली थी, तो विपक्ष में यूनिटी बनाने के लिए भी तो स्ट्रैटेजी हो सकती है ना, ये भी तो देखना जरूरी है और दुनिया को दिखाना देखिए जरूरी है, दुनिया को दिखाना जरूरी है कि जो रीजनल पार्टी हमारी पार्टी में से भी तो तोड़फोड़ करके ले गई, वो पार्टी भी तो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही ले गई, तो उन पर भरोसा क्या जनता करेगी, ये भी जरूरी है। आप याद करके देखिए गोवा के चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी हार जाती, गोवा के चुनाव में अगर टीएमसी जो है वो खेल ना खेलती जो उन्होंने भाजपा को जितवाने के लिए किया गया, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी है और राष्ट्रपति के चुनाव में मर्यादा रखते हुए हमने अपने ऑपोजिशन कैंडिडेट का पूर्ण रूप से समर्थन किया, हमारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, उसमें कोई विप नहीं होता, इसलिए उसको जोड़कर देखना 2024 के चुनाव से गलत है। मगर 2024 में मोदी जी रहेंगे, तोड़फोड़ कितनी कर पाएंगे, किस चीज का कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, ये देखने की बात होगी, क्योंकि ठीक जनता भी जाग रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।